हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विट्रस फ्लोटर्स के बारे में। बहुत बार हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में आते हैं, कभी कभी रेगुलर चेकअप के अंदर कंप्लेन करते हैं कि सडनली हमें काले धब्बे दिखने लगे हैं, या जो एग्जिस्टिंग काले धब्बे दिखते थे वो एकदम से बढ़ गए हैं, जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में फ्लोटर्स बोलते हैं और जनरल लेमेन लैंग्वेज में इसको मक्खियाँ तैरना या काले धब्बे तैरना या इमेजेस तैरना बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीन फैक्ट्स बताऊंगा इन फ्लोटर्स के बारे में। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये फ्लोटर्स बेसिकली क्यों होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी आँख के अंदर 90% हिस्सा जो है वो इस जेल से बना होता है। तो ये जो जेल है ये आँख के पीछे होता है, जो आँख की शेप को बनाए रखता है आँख के पर्दे के जस्ट बगल में। तो अगर कोई ट्रॉमा होता है या कुछ होता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो अगर हम ये देखें, पहला फैक्ट, ये एक नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज है। मतलब ये उम्र के साथ जो बदलाव होते हैं इस जेल में, धीरे धीरे ये जेल लिक्विफाई होने लगता है और इस जेल के अंदर बैंड्स बनने लगते हैं। वो बैंड्स हमें एज अ फ्लोटर्स या इमेजेस दिखने लगते हैं। तो ये एक नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग जिनको मायोपिया होता है, बहुत ज़्यादा माइनस का नंबर होता है, जिनकी आँख नॉर्मल से बड़ी हो जाती है, तो पर्दे के खिंचाव के साथ साथ उनमें भी ये जेल समय के साथ कमज़ोर पड़ता जाता है, लिक्विफाई होता रहता है और काले धब्बे उन लोगों में भी ज़्यादा दिखते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है। सेकंड फैक्ट आता है कि ये कब डेंजरस हो सकता है। ये उन कंडीशंस में डेंजरस है जब ये सडनली किसी को आए, साथ में आपको फ्लैशेस दिखें, एकदम से लाइट चमकती हुई दिखे, और जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनके अंदर ध्यान रखना है कि कहीं कोई खून का रिसाव तो नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं, सडन इंक्रीज होना इनका या फ्लैश ऑफ लाइट्स दिखना, तो ये हो सकता है कि आपका जो पर्दा है वो उखड़ गया है, या पर्दे पे एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं मैक्यूला, उस पे सूजन आने लगी है या उसके अंदर भी छेद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में खास ये ध्यान रखना होता है कि उस केस में कभी कभी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ जो चेंजेस होते हैं, तो खून का रिसाव जो है वो धीरे धीरे पर्दे में आने लगता है और उसके बाद वो जेल में भी आ जाता है और काले धब्बे एकदम से बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखिए, मोस्टली 99% केसेस में हम दवाइयाँ देते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं ताकि ये बढ़े नहीं। पेशेंट काउंसलिंग करते हैं जो केसेस में नॉर्मल होता है, ये एज रिलेटेड जो है मायोपिक होते हैं, वहाँ ये हमें समझाते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो न्यूरो अडेप्ट कर लेता है धीरे धीरे और इन इमेजेस को भूल जाता है। इवन मुझे भी ये चीज़ें दिखती है अगर मैं जाता हूँ बाहर और आसमान की तरफ या वाइट बैकग्राउंड पर देखता हूँ, बट इट्स हार्मलेस फॉर मी, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जिन केसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ के कारण ये हुआ है या पर्दा खिसक गया है या मैक्यूलर होल हो गया है, उन केसेस में सर्जरी करना ज़रूरी होता है और प्राइमरी रीज़न को ठीक करा जाता है। आजकल लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आया है जिसे लेज़र विट्रोलाइसिस बोलते हैं। उसके अंदर इन डेंस बैंड्स को लेज़र से कट कर दिया जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, बट ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमने कम देखी है। तो आई थिंक इन फ्लोटर्स के बारे में मैंने आपके मन में जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर करे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो फ्लोटर्स से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। आई विल लाइक टू आंसर। थैंक यू।